गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के हतवा जंगल की रखवाली के लिए अंग्रेजों के जमाने में बना वॉचिंग टावर अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इससे वन संपदा का अस्तित्व खतरे में है। जंगलों की कटाई के साथ साथ पत्थरों का अवैध उत्खनन भी बदस्तूर जारी है। हतवा जंगल काफी मशहूर है। इस जंगल में सखुआ, महुआ, शीशम और कई बड़े पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रक्षेत्र में माइका, काला और सफेद पत्थर का भंडार है। इन्हीं संपदाओं की सुरक्षा के लिए भागाबांध में अंग्रेज के जमाने में ही वॉचिंग टावर का निर्माण कराया गया था, जिसके जरिए वनकर्मी इस जंगल की निगरानी करते थे। वहीं भाकपा माले नेता सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि वॉचिंग टावर वन विभाग के लिए वरदान साबित हो रहा था, लेकिन सही तरीके से इसका रखरखाव नहीं किए जाने से ये अब जर्जर हो गया है। नतीजन इस पर चढ़ने से भी लोगों को डर लगता है। ऐसे में अब इसकी मरम्मती की जरूरत है। पूर्व में जो बनाया था अभी तक भी इसको रिपेयरिंग कर देता तो आज यहाँ सिपाही लोग भी चढ़ करके देख सकता है कि तब को जंगल जो काट रहा है वो यहाँ से भाग सकता था। कहाँ तक दिखाई पड़ता है इस टावर से? यहाँ तो जगदीशपुर तक ले दिखाई पड़ता है। जगदीशपुर, बेंगाबाद हो गया, इधर भलकुदर हो गया, तमाम इलाके इधर बूढ़े तक भी दिखाई पड़ता है। यहाँ से पहाड़ तक दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त हतवा जंगल के वॉचिंग टावर के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर आज से कई वर्ष पूर्व यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, जिसकी देखरेख के लिए वन विभाग ने यह वॉचिंग टावर बनाया था और जहाँ से पूरे हतवा जंगल की निगरानी की जाती थी ताकि यहाँ से जंगलों की कटाई नहीं हो सके। लेकिन आज इस वॉचिंग टावर के साथ साथ पूरा जंगल यहाँ पर खत्म होने के कगार पर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वन संपदा का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। सुरेश सिंह, लाइव लगातार गिरिडीह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।